हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सब अच्छे हो. आई एम गुड एज वेल. आई एम नंदिनी, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर, एंड आई वांट टू टेल यू कि हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 विच इज कोल्ड वॉर एरा कर लिया है, बाइपोलैरिटी भी कर लिया है, ठीक है. थर्ड चैप्टर ऑल्सो वी आर फिनिश्ड. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ चैप्टर विच इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ठीक है. ये चैप्टर 5 क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर 3 विच वॉज US हेजेमनी वो कोर्स से हट गया है, उसके कुछ टॉपिक्स ऊपर शिफ्ट हो गए हैं. थर्ड चैप्टर के कुछ पार्ट्स कट गए हैं. फोर्थ चैप्टर विच वॉज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, इन सब की वीडियोज अपलोड हो गई हैं. यू गो एंड चेक दिस आउट, ठीक है. ये बहुत ईजिली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एक बात बताना चाहती हूँ, वी आर अबाउट टू एंड दिस बुक बहुत जल्दी. मैं कुछ ही दिनों में ये बुक कंप्लीट होने वाली है. मैं आई एम डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स कि आपको कुछ भी डिफिकल्ट ना हो. ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू, जो मेन पार्ट था ना, जो डिफिकल्ट थोड़ा सा समझने वाला था, वो सब जा चुका है. अब जो है अब बहुत ईजी पार्ट है. इसके ऊपर पता है आपको 6 मार्क क्वेश्चन आएंगे अगर इन टॉपिक्स के बेसिस पे. आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आप मेरी वीडियो देखोगे ना ये वाली, आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है. एंड यू कैन राइट इट, यू कैन राइट मोर देन जस्ट 6 पॉइंट्स, बहुत अच्छा लिख सकते हो, तुम आंसर फ्रेम कर सकते हो. चलो ठीक है, पढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है. अब साउथ एशिया चैप्टर का नाम क्या है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. कंटेम्प्रेरी मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो, ऑलराइट. थोड़ा सा हमें करंट अफेयर्स के ऊपर भी ध्यान करना है. बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक पाकिस्तान, एक चीज देख लो, पाकिस्तान के बारे में तो पढ़ ही लेंगे, पाकिस्तान तो हमारा फ्रेंड भी तो है. अच्छा ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम है साउथ एशिया. अब साउथ एशिया है क्या, क्या है साउथ एशिया, ये तो हमें बताया नहीं क्या है, क्या है साउथ एशिया. इधर देख लो एक बार, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, फिर देखो मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया तो अपना फिर साउथ एशिया में आता ही है. कितनी कंट्रीज हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 हो गई. वन कंट्री विच वी आर मिसिंग अपॉन, देखो वन कंट्री दैट वी आर मिसिंग अपॉन इज श्रीलंका. इन सब कंट्रीज को क्या बोलते हैं, ये सब साउथ एशिया में आती है, ठीक है. एक बात और बतानी है, म्यांमार भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है. अफगानिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ सार्क ऑल्सो, 2014 में उसने सार्क ज्वाइन कर लिया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए. बट अगर हम साउथ एशिया टर्म, ऐसे तो चाइना इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, बट वी डोंट इंक्लूड चाइना इन साउथ एशिया. अगर हम टर्म साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 7 कंट्रीज, ऑल राइट. ये बात ध्यान रखना, कभी 1 मार्क क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि हम इन 7 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया. अच्छा ठीक है, बता दी कंट्रीज, वो बता दी. अब मैं उनका जिक्र दोबारा करने वाली हूँ, तुम्हें वो याद हो जाएगा, ठीक है. हम किसकी बात कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं साउथ एशिया की. चलो ठीक है, पहले देखते हैं जो इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, शुरू से ही क्या रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक नेशंस. एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे तुम्हें पता होना चाहिए. ये मत कहो कि यार तुमने तो सिर्फ सीधा पाकिस्तान पढ़ाना शुरू कर दिया, है क्या साउथ एशिया, तो बताओ साउथ एशिया कहते किसे हैं, व्हाट इज साउथ एशिया, इसलिए क्लैरिटी दे रही हूँ. सब कुछ NCERT लाइंस हैं, दिल हो पढ़ लेना, नहीं दिल वीडियो देख के चले जाना, आराम से लिख पाओगे, ठीक है. ठीक है, शुरू से इंडिया श्रीलंका डेमोक्रेटिक था. अब आ जाओ भूटान और नेपाल पे, ये लोग शुरू से क्या थे, मोनार्क पता है कौन से होते हैं, जिनका एक किंग होता है, एक लीडर होता है, बस उसी की चलती है पूरे राज्य में, कोई और जो पूरा एरिया होता है सिर्फ और सिर्फ मोनार्क की चलती है, सिर्फ एक जो किंग होता है उसकी चलती है. वहां पे लोगों को कोई अलाउड नहीं होता पार्टिसिपेट करना, बट अब वहां पे डेमोक्रेसी है इन दोनों जगह, ठीक है. अब आ जाओ बांग्लादेश पे, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. आपको पता है पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था, मजाक नहीं करी, सच में बांग्लादेश पाकिस्तान था पहले, लड़ाई हुई काफी, बताऊंगी इसके बारे में भी पढ़ेंगे. बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या था,
कभी आती है मिलिट्री पार, तो कभी क्या आता है वहां पे, समटाइम्स आती है डेमोक्रेसी. आपको एक बात बता दूं, जो साउथ एशिया है ना, साउथ एशिया उसको डेमोक्रेसी की भूख है. मतलब इट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी 100%. इंडिया और श्रीलंका को ये लोग देखते हैं ना कि दे आर ग्रोइंग एट अ गुड स्पीड, एक अच्छी पेस पकड़ी हुई है, डेमोक्रेसी कैसे बेनिफिट कर रही है सब लोग वहाँ, अगर वहाँ के लीडर्स ने, तो एटलीस्ट वहाँ के लोग एक डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये बात ध्यान रखना है. ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान की बात करते हैं, हम लोग किस पे रह गए, मालदीव्स रह गए ना. ठीक है, मालदीव पता है आपको क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज ऑल्सो डेमोक्रेसी ओनली, मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी. हम जब इन 7 कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए इनकी हिस्ट्री क्या है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार जरा एक बार. ठीक है, एक बार दोबारा बता रही हूँ, साउथ एशिया, इंडिया और श्रीलंका शुरू से डेमोक्रेटिक थे, भूटान और नेपाल मोनार्क था, अब डेमोक्रेसी आ गई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या थे, मिलिट्री पार थे, कभी कभी इनमें डेमोक्रेसी आ जाती है, मिलिट्री पार फिर डेमोक्रेसी, मिलिट्री पार डेमोक्रेसी, इनके बीच में यही होता था. मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी ये बात. मालदीव्स में क्या था, मल्टी पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी. ठीक है, अब पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में, आ जाओ चलो पाकिस्तान, आप भी आ जाओ, हम अब आपको पढ़ते हैं. चलो यहाँ देखना, बहुत इजी है यार समझ के, मजा आ जाएगा तुम्हें. अच्छा ऐसा हुआ था, द फर्स्ट मिलिट्री रूल दिख रहा है, फर्स्ट मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान टुक प्लेस अंडर याया खान. काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये याया खान. आपको पता है इसमें हम दूसरी बुक में भी पढ़ेंगे, जो दूसरी बुक है ना आपकी इंडियन पॉलिटिक, उसमें भी ये सब है पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के डिस्प्यूट्स वगैरह उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में है. बट इस बुक में जितना है हमें वो तो पढ़ना ही है ना. फर्स्ट टाइम मिलिट्री रूल पाकिस्तान में अंडर क्या हुआ था. अच्छा कभी भी कन्फ्यूजन हो ना, अब डेमोक्रेसी थी कि अब नहीं थी, जहाँ वो जनरल आ जाए ना इट मीन्स मिलिट्री रूल. ठीक है, जहाँ सिंपल लिखा है, सिर्फ नाम लिखा हुआ, इट मीन्स डेमोक्रेसी आई थी उस टाइम पे. ठीक है, अब देखते हैं कैसे स्विच हो रहा था. जनरल याया खान फर्स्ट था. द रीज़न फॉर दिस वॉज द पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अमंग अगेंस्ट द रूल ऑफ जनरल अयूब खान. अयूब खान को टेक ओवर किसने किया था, याया खान ने. दोनों जनरल थे, देखो यहाँ पे भी जनरल लिखा है, विच मीन्स यहाँ पे मिलिट्री रूल था. लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे कि अयूब खान अच्छा रूल नहीं कर रहा है, तो याया खान ने उसको टेक ओवर किया था, बस इसमें इतना बताया. ठीक है, यहाँ देखो, आफ्टर दिस अ गवर्नमेंट वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो. जनरल का ही लिखा दिख रहा है, नहीं लिखा लिखा दिख रहा ना, डेमोक्रेसी आ गई थी. ठीक है, फ्रॉम 1971 to 1977 जुल्फिकर अली भुट्टो आया था. उससे पहले कौन था, फर्स्ट मिलिट्री पार किसकी थी, याया खान की. फिर किसने ले लिया था, डिसटिस्फाइड हो गए थे लोग, जनरल अयूब खान से भी डिसटिस्फाइड होते, फिर डेमोक्रेसी आई. ठीक है, मिलिट्री पार के बाद डेमोक्रेसी. भुट्टो गवर्नमेंट वॉज रिमूव बाय, अब देखो जेन, फिर यहां पे यही तो ये करते क्या थे, यही तो करते थे, तभी तो आज ये हाल है. देख रहे हो, कभी डेमोक्रेसी आ रही कभी जनरल. देखो भुट्टो गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी आई थी ना 8 सालों के लिए 71 से आई थी, 71 72 73 74 75 76 77, कितने हो गए, 7 ईयर्स. भुट्टो गवर्नमेंट वॉज रिमूव बाय जनरल जिया उल हक. ठीक है, बट हैड टू फेस प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1978 ऑनवर्ड्स. प्रो डेमोक्रेसी मतलब फॉर डेमोक्रेसी, अगेंस्ट नहीं. ठीक है, प्रो डेमोक्रेसी कब से शुरू हुई थी, 1982 ऑनवर्ड्स. ठीक है, अब यहां देखो क्या हुआ था. अगेन इन 1988 एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, 1982 ऑनवर्ड्स प्रो डेमोक्रेसी होने लग गया था. ठीक है, वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर बेनजीर भुट्टो. अभी कौन आया था पार में, बेनजीर भुट्टो आया था. कौन से ईयर में आया था, 88 में आया था. बट हैड टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग. पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बहुत प्रोटेस्ट करते थे. ठीक है, फिर क्या हुआ, आर्मी स्टेप्ड इन अगेन. यही ना, देखो अब डेमोक्रेसी थोड़ी सी आई है कुछ सालों के लिए. 90 में
जनरल परवेज मुशर्रफ, ये नाम तो सुना ही होगा, सुना सुना लग रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने किसको रिमूव किया था? नवाज शरीफ को रिमूव किया। मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन 2001। फिर किसका रूल आ गया? ये जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, ठीक है। ये कौन थे? ये भी आर्मी रूल आ गया था इसमें। अब आप सोच रहे होगे ये इतनी अनस्टेबिलिटी क्यों है, मैं बताऊंगी क्यों है। देयर वर सेवरल फैक्टर्स व्हिच लीड टू द फेलियर ऑफ पाकिस्तान इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। देखो मैंने कहा ना मैं बताऊंगी, यही तो इसने बोला है। देयर वर लॉट ऑफ रीजंस दैट लेड टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, लेट अस नो व्हाई। यहां देखो, एट प्रेजेंट अगेन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रूलिंग द कंट्री विद अंडर द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अब तो इसका प्रेसिडेंट कोई और है, इमरान खान है। पहले क्रिकेटर रह चुके हैं ये, महान इंसान है काफ़ी, ठीक है। डेमोक्रेसी है वहाँ पे, मिलिट्री रूल आता था जाता था, स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही वहाँ पे, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तानी कन्फ्लिक्ट तो हम पढ़ लेंगे, बट आपको बस एक बात बतानी है, स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी वहाँ? पाकिस्तान ये है तो इंडिया थोड़ा ये था, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान छोटा है इंडिया से कंपेयर किया जाए तो, चलो इतना छोटा नहीं है तो फिर भी छोटा तो है ही ना। इंडिया इसको खा सकता था पूरा, बट अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी होती, यहाँ मिलिट्री रूल रखने का मतलब क्या था? मिलिट्री रूल इसलिए कि अगर इंडिया यहाँ पे आकर लड़ाई करने लगे या इसको कुछ भी थ्रेटन करे, कुछ भी डिस्ट्रक्शन करे, मिलिट्री आकर डिफेंड कर देगी और वो लोग जीत जाएंगे। जीतेंगे नहीं तो कम से कम सफाई तो कर जाएंगे, रह तो पाएंगे, ऐसे तो नहीं कि एक बारी में ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। पाकिस्तान में इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि अगर मिलिट्री रूल वहाँ पे नहीं है ना तो वहाँ बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। कोई भी कंट्री उसको थ्रेटन कर सकती है। फिर क्या है, यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप बहुत है, और टेररिस्ट का काम क्या होता है? दंगे मचाना। देखो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री तो है ही, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास है। अगर मिलिट्री रूल यहाँ पे नहीं होगा ना तो क्या होगा, टेररिस्ट इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो जब्त लेंगे, रख लेंगे अपने पास, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, सीज कर लेंगे, और फिर क्या होगा, पूरी वर्ल्ड को हार्म पहुंचाएंगे। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे मिलिट्री रूल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया और इसके कन्फ्लिक्ट क्यों थे, इंडिया पाकिस्तान एट वॉर क्यों था। बहुत रीजंस थे, एक रीज़न नहीं था। कुछ हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ हम अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, आपको दोनों पार्ट्स देखने चाहिए टू गेट अ क्लैरिटी। पता है ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत फन है। मतलब जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, साउथ एशिया इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज ही तो हैं, तो इनके साथ इंडिया के क्या रिलेशंस हैं, इंडिविजुअली ये कंट्रीज कहाँ खड़ी होती हैं, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए यार। आगे जाकर तुम जो भी परस्यू करने वाले हो, इफ़ यू डोंट नो द जिस्ट ऑफ व्हाट इज हैपेंड, थोड़ा बहुत भी नहीं पता है तुम्हें, तो यू गो टू सफ़र, आगे जाके तुम्हें दिक्कत होगी। यहाँ देखो, After independence, both India and Pakistan got involved in issue related to Kashmir. Kashmir तो यार bone of contention शुरू से ही रहा है। कश्मीर है ना ये, जैसे for instance कश्मीर है, ठीक है, ये कश्मीर है ना, आपको पता है 1/3 part belongs to Pakistan. इसको पता है क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल राइट, ठीक है। और बाकी 2/3 किसके पास है? इंडिया के पास है कश्मीर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कश्मीर हैज़ बीन द बोन ऑफ कंटेंशन सिंस देयर इंडिपेंडेंस। तो ये बात क्या हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट क्यों थी, ठीक है। इट लेड टू वॉर्स इन 1947-48। 15 अगस्त को 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान गॉट इट इंडिपेंडेंस। ये बात तो याद है आप सबको, एक दिन पहले इंडिपेंडेंस मिली थी पाकिस्तान को, ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इन 1965 विच फेल्ड टू सेटल द मैटर, 1965 इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई पता है क्यों हुई थी, याद है कुछ? देखते हैं क्यों हुई थी। बोथ द कंट्रीज फेस्ड कंफ्लिक्ट ओवर स्ट्रेटेजिक इशूज लाइक कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर ओवर द एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। सियाचिन में कितनी लड़ाई है आपको पता है?
सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कश्मीर. बहुत इश्यूज हैं इसको लेकर, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एंड ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, कि आर्म्स की लड़ाई के साथ कि ये कौन एक्वायर करेगा, ये ज़मीन किसकी होगी, यहाँ की रिसोर्सेज, यहाँ के जो भी वेपन्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, ये सब लड़ाई थी. ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं और क्या था. बोथ द कंट्रीज कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर ओवर सिक्योरिटी इशूज. इनको लगता था अगर बॉर्डर पर कोई सिक्योरिटी है या फिर कोई भी, फॉर इंस्टेंस अब आप देखो कश्मीर के बॉर्डर पर पत्थर फेंके जाते हैं ना, तो ये पता क्या लगता है, या कोई भी क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो ये लोग पता है क्या कहते हैं, ये सब पाकिस्तान कर रहा है. मतलब ब्लाइंड आईज के साथ, बिल्कुल, मतलब वो लोग देखते भी नहीं है, सिर्फ उनके मन से यही बात आती है कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ये सब पाकिस्तान से हो रहा है. ये सच है या नहीं है ये नहीं पता, बट हम लोग ये बिलीव करते हैं कि ये सब पाकिस्तान से हो रहा है. सिक्योरिटी इशू है ही, दे आर सस्पिशियस. सस्पिशियस मतलब डाउटफुल है. ट्रस्ट इशूज है. Another issue of conflict among the two country is the sharing of water in this water system. में इतना इतना यहाँ आएगा, इतना पाकिस्तान ले जाएगा, in this water treaty, पता है बहुत ज़्यादा disputed रहती है. The two countries are not in agreement over the demarcation जाने in Sir Creek in the Ran of Kutch. Ran of Kutch is in Gujarat. यहाँ पे uranium पाया जाता है. पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये हमारा है. भाई जब जगह हमारी है तो तुम्हारा कैसे हो सकता है, यही बोन ऑफ कंटेंशन है, यही लड़ाई है सारी. ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. बांग्लादेश, पाकिस्तान की बहुत बात हो गई है और हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फैक्ट्स कि मैं पढ़ेंगे कि और क्या क्या हुआ था थोड़ा बहुत, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया. ठीक है, एक तो रन ऑफ कच्छ में हुआ था, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं उनको, कश्मीर इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वो लोग चाहते हैं, कुछ हम लोग एक्वायर करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं सारा वाटर उन्हें मिले, बट हम चाहते हैं कि हमें मिले, बिकॉज वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बहुत फायदे होते हैं अगर हम उसको अपने पास ही रखें तो. ठीक है, चलो बांग्लादेश देख लेते हैं एक बार. आपको पता है बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट था, आप पूछोगे क्यों था. अच्छा ये मैप देखो, देखो ये इंडिया है, ध्यान से समझना, ये पाकिस्तान है जहाँ पी लिखा है और ये भी पाकिस्तान था. ठीक है, अब जो है वो तो बता ही दूंगी, अब पहले क्या था, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या लड़ाई हुई, ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था, ये इंडिया था, ये ऐसे इनको बांटा गया था. ठीक है, इसमें डोमिनेंस किसकी थी, उर्दू स्पीकिंग लोगों की थी. ठीक है, कल्चर इनका मुस्लिम था, मुस्लिम कल्चर था, और ये जो थे ना, ये लोग चाहते थे कि हम अपना बंगाली कल्चर मेंटेन रखें, बंगाली कल्चर. बट जो अब देख लो, ये से वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे. तो जो वेस्ट पाकिस्तान था ना, ये इसके ऊपर फोर्स करता था कि नहीं, तुम भी मुस्लिम डोमिनेटेड, उर्दू डोमिनेटेड कंट्री ही बनो. बट ये लोग क्या प्रिजर्व करना चाहते थे, अपना बंगाली कल्चर, ये जो बंगाल का कल्चर था वही अडॉप्ट करना चाहते थे. ठीक है, तो फिर लड़ाई किस बात की हुई, वेस्ट पाकिस्तान इतना फोर्स करता था, उसने यहाँ पे आकर वॉर कर दिया. ठीक है, यहाँ पे वॉर कर दिया. अब एक बात सुनो, छोटी सी बात समझो इसे, ये देखो जैसे जैसे ये इंडिया है ना, ये समझ लो इंडिया का मैप है, नीचे ऊपर तो है हिमालयाज, नीचे क्या है, इंडियन ओशन है, यहाँ ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये सब तो पता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है, ये अरेबियन सी है. अब थोड़ा सा ही समझना. ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब लोग यहाँ लड़ने आए तो कुछ ही ऑप्शंस थे. देखो, या तो यहाँ के लोग, या तो जो ये लोग गोलियां मार रहे हैं, या तो ये मर जाते. ठीक है, नहीं तो यहाँ समुंदर था, यहाँ डूब के मर जाते. यार गोलियों से मरना, डूब के मरना, मरना तो है ही ना, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. इन्होंने क्या किया, द ओनली ऑप्शन वॉज कि ये लोग इंडिया में चले जाए. ये लोग पता है कितने लोग थे, 80 लाख लोग इंडिया में घुस आए थे ये, जब वो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहा था. ठीक है, उस टाइम पार में कौन था, इंदिरा गांधी थी. इंदिरा गांधी मैडम जी ने पता है क्या कहा, इसने कहा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ईस्ट पाकिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे, तुम फाइट करो वेस्ट पाकिस्तान से. ठीक है, हम तुम्हें पैसा देंगे, मिलिट्री एड देंगे, डिप्लोमेटिक एड,
सब तुम्हें देंगे, तुम जाके उनसे लड़ाई करो, ठीक है। ये लोग वहां गए, वहां के लोगों को मार के आए थे, ठीक है। तो सारी बात क्या हुई, इन्होंने अपना कल्चर प्रिजर्व किया और ये क्या, इन्होंने अपनी अलग कंट्री बना सके, इसका नाम क्या रखा गया, बांग्लादेश। ठीक है, समझ आया, क्लैरिटी मिली। चलो देखते हैं, अब पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। ये सब 1971 के बाद हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। बट इट स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। किया ना वेस्टर्न पाकिस्तान ने डोमिनेट, बिल्कुल किया। एंड द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज चाहते थे ना कि ईस्टर्न पाकिस्तान भी अडॉप्ट कर ले। अ पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेंस वॉज लेड बाय शेख मुजीबर रहमान। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने लेड किया था जो भी सारी ये लोग वॉर करने गए थे, ठीक है। अ पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो प्रोटेस्ट करा था अगेंस्ट वेस्टर्न पाकिस्तान वॉज लेड बाय शेख मुजीबर रहमान। इन 1970 इलेक्शन द अवामी लीग, आपको एक बात पता है, पाकिस्तान में वन पार्टी सिस्टम कर दिया था कि हर पार्टी को अबॉलिश कर दो, सिर्फ एक पार्टी रहेगी, अवामी लीग, पता होना चाहिए, अंडर शेख मुजीबर रहमान। तो ये जो इंसान था ये किसका था, अवामी लीग का था। वन ऑल सीट्स बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली। वो कहता था तुम अपने जो ये बनाए जा रहे हो लीडर्स वगैरह इसकी अवामी लीग का, आई विल नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन, जो हेड इसका है वही हेड इसका माना जाएगा ईस्टर्न पाकिस्तान का। द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट विच लेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेशन टू इंडिया। इसने अपनी आर्मी भेजी थी ना जो वॉर किया था, वो तो आर्मी तो आई थी यहाँ पे लोगों को मारने के लिए, तो बहुत सारे लोग कहाँ घुस गए थे, इंडिया में घुस गए थे। देखो यही लिखा है, इन पाकिस्तान में द पाकिस्तानी आर्मी ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट विच लेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन टू इंडिया। उसने बहुत सप्रेस करना चाहा कि जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये अपना लीडर बना दिया, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट सपोर्टेड द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मतलब वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, एंड हेल्प देम। दिस लेड टू अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। अभी हम मैंने आपको बताया था ना इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में, क्यों हुई थी, सारा इशू वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का था, ठीक है। इंडिया ने किसको सपोर्ट किया था, ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री आफ्टर द एंड ऑफ वॉर। सारी लड़ाई क्या थी, लड़ाई तो यही थी ना, ईस्टर्न पाकिस्तान चाहता था कि मैं अलग कंट्री बनाऊँ अपनी, और बन गई बांग्लादेश नाम की। 1971 की वॉर जो खत्म हुई वो इसी से ही खत्म हुई। अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय बांग्लादेश डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म। सेक्युलर कंट्री कौन सी होती है, जो हर रिलीजन को, जिसका कोई रिलीजन नहीं होता वो हर रिलीजन को इक्वल मानती है। ऑल राइट, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है, जो है सब लोगों के लिए है, लोग पूरी बात कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज का राइट है उनके पास। एंड सोशलिज्म, बट गवर्नमेंट शेख मुजीबर अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट जो ये लीडर था थोड़ा अलग निकला, इसने प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लानी चाहिए, ठीक है। शेख मुजीबर वॉज असैसिनेटेड। अब एक बात बताओ, पहले तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट कर रहे हो, फिर तुम डेमोक्रेसी भी ला रहे हो, ये सब कर रहे हो, बट शेख मुजीबर रहमान ने क्या कहा, उसने कहा ये सब नहीं चलेगा, प्रेजिडेंशियल फॉर्म लाया जाएगा। लोग क्या कहते हैं, ठीक है हमारा लीडर आ रहा है, हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको। ऐसे लोग इतने अच्छे थे नहीं, वो हमेशा से चाहते थे कि हमारी बात सुनी जाए, जो भी पार हो हमारे द्वारा हो, हम लोग ही करें उसे। इसे असैसिनेट किया गया था बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी विथ हिज रूलिंग एंड अ मिलिट्री रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर जिया उर रहमान। फिर भी क्या हुआ, एक मिलिट्री रूल ही आया, ठीक है, इसने टेक ओवर कर दिया था। ये भी भाई भाई थे दोनों, भाई भाई इन द सेंस कि इनका जो रूलिंग का वे था दोनों सेम ही था, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड एंड द रूल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इरशाद, इसको असैसिनेट किया, अच्छा नहीं लगता था ये, इसको भी हटा दिया पार से, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट इतना करते थे, लोग नहीं चाहते थे ये पार में आए। जनरल एच एम इरशाद क्यों आया, क्योंकि
इसको लोग नहीं चाहते थे तो इसने टेक ओवर किया, स्टार्टेड दिस कंटिन्यूइंग द मिलिट्री रूल. था अभी भी मिलिट्री रूल ही, देखते हैं कुछ चेंजेस आए थे. अब प्रो डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी मतलब फॉर डेमोक्रेसी, उसके लिए मूवमेंट वॉज अगेन स्टार्टेड विच लेड टू इलेक्शन इन 1991. तो जो इतनी वॉर हुई है तो डेमोक्रेसी कब एस्टैब्लिश होने की बात हुई ये पढ़ो, 1991 में इलेक्शंस हुए, ठीक है. सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी, सिर्फ एक पार्टी नहीं, हैज बीन वर्किंग इन बांग्लादेश. ठीक है, क्लियर है ये बात. उसका कहने का मतलब है मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पे हो रहा है, मतलब बहुत सारी पार्टीज आती हैं, अब डेमोक्रेसी वहां है. चलो नेपाल के बारे में पढ़ते हैं. नेपाल बड़ा प्यारा सा है, देखते हैं. नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम, शुरू से हिंदू डोमिनेटेड इन द पास्ट, बट लेटर चेंज इन टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर मेनी ईयर्स. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पता क्या होती है, इसका मतलब एक हेड तो वहाँ है ही, बट वहाँ डेमोक्रेसी भी है, लोगों की भी सुनी जाती है, बट डोमिनेंस किसकी होती है, डोमिनेंस हेड की होती है. सिर्फ कहने के लिए एक डेमोक्रेसी होती है, बट वहाँ पे चलती हेड और वो जो किंग होता है उसकी है. फॉर मैनी ईयर्स इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी, फिर डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई होती थी, द किंग एक्सेप्टेड डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990. किंग ने कहा मैं तो अपनी जगह रहूँगा ही, बट हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं जिससे सब लोग अबाइड बाय करेंगे. ठीक है, फिर देखते हैं क्या हुआ, थोड़ा सा और पढ़ते नेपाल के बारे में. देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग दीज डेमोक्रेट्स. मॉइस्ट कौन होते हैं, जो मॉयज़म को फॉलो करते हैं, एंड मोनार्किस्ट फोर्सेस विच लेड टू द अबॉलिशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट बाय द किंग. 2002 में डिसमिसल हो गया था, ठीक है. अगेन इन 2006 अ प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, द किंग वॉज फोर्स टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. 2002 में पार्लियामेंट अबॉलिश कर दिया, फिर 2006 में दोबारा आ गया. हमने पढ़ा था ना कि नेपाल में पहले क्या थी, मोनार्की थी, फिर क्या हो गई है, अब हो गई है डेमोक्रेसी. ठीक है, एक बार ये देखो, देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट अमंग द डेमोक्रेट्स मोइस्ट एंड मोनार्किस्ट, क्योंकि सबकी अपनी आइडियोलॉजी थी. डेमोक्रेट्स कुछ और चाहते थे, मोइस्ट कुछ और चाहते थे, और मोनार्किस्ट कुछ और चाहते थे, विच लेड टू द अबॉलिशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट अबॉलिश कर दिया था 2002 में नेपाल का, फिर 2006 में दोबारा रिस्टोर कर दिया गया. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होता है, लोकसभा, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग वहाँ क्या चाहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए. ठीक है, अब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, हम इंडिया के साथ इनके रिलेशंस भी पढ़ेंगे, बट आपको इन कंट्रीज़ का आइडिया होना चाहिए जो मैंने आपको बताया शुरू शुरू में, तो ऐसा क्यों था. ठीक है, ये देखो, द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ श्रीलंका वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सिन्हलीज एंड तमिल ओरिजिन पीपल. श्रीलंका में ना, जैसे श्रीलंका है ना, तो कुछ सिन्हलीज हैं लोग वहाँ पे और कुछ तमिल लोग हैं, आपको पता है वहाँ पे सिर्फ सिन्हलीज लोग भी हैं, कुछ तमिल ओरिजिन के लोग भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट रहता है. कभी आपने सुना हो तो श्रीलंका में ना हमेशा लड़ाई रहती है, वहाँ पे दो एथनिसिटीज है ना, तो वहाँ पे हमेशा लड़ाई रहती है. अकॉर्डिंग टू द सिन्हलीज द रीजन ऑफ सेलन श्रीलंका को पहले क्या बोलते थे, सिलोन. ठीक है, वन मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, बिलोंग टू सिन्हाला पीपल ओनली एंड नॉट टू द तमिल्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया. बहुत सारे तमिल इंडिया से श्रीलंका जाके बस गए थे, तो इन लोगों को ये एक्सेप्टेड नहीं होता था. सिन्हलीज पीपल थे ना, ये लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे तमिल्स को, दे हेट तमिल्स. दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब तमिल लोग वहाँ पे अपनी कुछ पार्टी तो बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जो कि वहाँ पे उनको एक रिकग्निशन मिले, वो वहाँ रह रहे हैं, उनको बाहर धक्के मार के ना निकाला जाए. इसके लिए क्या फॉर्म हुई थी, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम. क्या बोलते थे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम बोलते थे. देखो यहाँ पे, अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हु डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री. अब एक बात सुनो ना, वहाँ पे ऑलरेडी सिन्हलीज पीपल रह रहे हैं, जो सिन्हलीज ओरिजिन के लोग रह रहे हैं,
और तमिल आके कह रहे हैं ये हमें अपनी सेपरेट कंट्री बनानी है। हमारे इंडिया में कोई आके कहे कि हमें एक सेपरेट कंट्री बनानी है, कोई लोग आके रहने लग जाएं, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? श्रीलंका यही तो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है। ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी एक अलग कंट्री बनाएं यहाँ जाके, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज प्रेशराइज्ड बाय तमिल पीपल, क्योंकि यहाँ पे भी तमिल पीपल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी बार प्रेशराइज भी कर चुकी है श्रीलंका को, ठीक है, क्योंकि वो तो तमिल को ही सपोर्ट करेगी ना। द गवर्नमेंट वॉज प्रेशराइज बाय तमिल पीपल इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। तमिल तमिल भाई भाई कहते थे श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सारी बात यही थी, ठीक है। इंडिया साइंड एन एकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंड ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन इंडिया ने ना, वहाँ पे इतनी अनस्टेबिलिटी हो गई थी, इतनी लड़ाई होने लगी थी, देखो ये श्रीलंका का मैप है, इतनी लड़ाई होने लग गई थी कि इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी थी, अपने ट्रूप्स भेजे थे श्रीलंका में, जिससे कि वहाँ स्टेबलाइज रहे सब सिचुएशन, थोड़ी पीस काम रहे, ट्रैंक्विलिटी रहे। इंडिया साइन एन अकॉर्ड एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स, ठीक है, कि आप तमिल्स लड़ते तो थे ही श्रीलंका से गवर्नमेंट से कि हमें अपनी कंट्री एस्टैब्लिश करनी है, बट गवर्नमेंट कोई हीट तो पे करती नहीं थी, कोई अटेंशन तो नहीं पे करती थी, तो क्या इंडिया के लोग भेजे गए थे वहाँ पे, इंडिया के ट्रूप्स गए थे। इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद LTTE। लेटर ऑन क्या हुआ, जब वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडियन ट्रूप्स वहाँ आके रह गए हैं, तो LTTE बोलते थे कि तुमने अपने आर्मी ट्रूप्स भेजे हैं पीस के लिए, जो गवर्नमेंट और तमिल की पीस के लिए, तुम लोग हमारा फेवर नहीं कर रहे हो, तुम लोग पीस लाना चाहते हो, तुम लोग एक बीच के रह गए हो, यू आर नॉट फेवरिंग अस, उनको ये लगता था। तो इनकी किससे लड़ाई हो गई थी, LTTE। LTTE की फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है, याद रखना। ऑन द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वॉज पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका इन 1989 विदाउट अचीविंग इट्स एम्स। एम तो अचीव नहीं हुआ था, बट एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बनाया गया था, ठीक है। प्रेजेंटली LTTE हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंका की गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी LTTE को, तमिल्स को तो वो सपोर्ट करती नहीं थी। एंड द एरिया अंडर LTTE हैज़ बीन रिकवर्ड, गवर्नमेंट वापस ले चुकी है उस एरिया को, इन स्पाइट ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। दो टाइप के लोग रहते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में उन एथनिसिटीज़ की लड़ाई रहती है, जिनकी द इकॉनमी ऑफ श्रीलंका हैज़ ऑलवेज बीन हाई। उसकी जो इकॉनमी है वो बहुत गुड परफॉर्मिंग है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, ये पार्ट यहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है। चैप्टर 5 विच इज़ साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया हम लोग शुरू कर चुके हैं, नहीं देखा है पार्ट 1 जाके देखो, जो कि निटी ग्रिटीज़ हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रह गई हैं वो इस वीडियो में कवर करूँगी। और हमने हर कंट्री को इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, बट इंडिया के क्या रिलेशंस थे इन कंट्रीज़ के साथ वो मैं अब कवर करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस। ऑल राइट, देखते हैं, चलो। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, नहीं देखा है जाकर देखो, ठीक है। अब हम और कंट्रीज के साथ पढ़ते हैं कि इंडिया का क्या रिलेशन था। ऑल राइट, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, इन्हें क्या बोलते थे, इन सब कंट्रीज को साथ मिला के बोलते थे साउथ एशिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देर आर सर्टन इशूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, इंडिया पाकिस्तान की कर चुके हैं, इंडिया बांग्लादेश के क्या कन्फ्लिक्ट थे, दीज इंक्लूड शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये बांग्लादेश में भी जाती है रिवर्स, कितनी रिवर तुम्हारे पास रहेगी, कितना वाटर हम लोग ले सकते हैं, कितना हम लोग ले शेयर, मतलब शेयरिंग डिस्प्यूट था। अफकोर्स कोई चीज़ जो दो लोग शेयर करते हैं, अफकोर्स ये डिस्प्यूट रहता है कि मेजर पोर्शन मैं रखूँगा या ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू मी, सारी लड़ाई इनकी यही थी, रिवर वाटर्स, इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। बांग्लादेश के लोग 80 लाख लोग आ गए थे इंडिया में, ऐसे ही कुछ लोग बांग्लादेश से इंडिया चले आते हैं, तो इसे क्या बोलते थे, इलीगल इमिग्रेशन बोलते थे। ऐसे थोड़ी इंडिया में आके कोई भी रहने लग जाएगा, और इतने लार्ज नंबर्स में नहीं पॉसिबल था ना। स्टिल बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर अ कॉर्डियल रिलेशन, फिर भी इनके बीच में रिलेशन कैसा है, अच्छा है। इन सब डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं,
बट वो लोग फिर भी अब एक दूसरे के साथ बना कर रखते हैं. इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द टू हैव इम्प्रूव कंसिडरेबली. ये लोग काफ़ी चीज़ों में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या कोई भी किसी और कंट्री से लड़ाई हो जाए, इंडिया इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प बांग्लादेश. ऐसा नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब नेपाल और इंडिया के बारे में पढ़े थोड़ा सा. नेपाल एंड इंडिया शेयर अ फ्रेंडली रिलेशन. फ्रेंड्स हैं आपस में नेपाल और इंडिया, लाइक वार्म रिलेशन ऑफ. अब ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया और नेपाल वेरी गुड फ्रेंड्स हैं. आपको पता है आप नेपाल जा सकते हो विदाउट अ पासपोर्ट एंड अ वीज़ा. ऑफकोर्स यू कैन ट्रैवल टू नेपाल, इतना अच्छा फ्रेंड है ये. आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा सकते और सिर्फ नेपाल में क्यों जा सकते हो? ये नहीं कि नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री तो पाकिस्तान भी है, इसलिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स हैं, अग्रीमेंट्स इतने अच्छे हैं इनके बीच में, इतने अच्छे नेगोसिएशंस हैं, तभी ये चीज़ अलाउड है, ठीक है? बट फिर भी एक डिस्प्यूट क्या है, ये देखो पढ़ते हैं. बट सर्टेन इश्यूज लाइक वार्म रिलेशन ऑफ नेपाल विद चाइना. इंडिया चाइना को अपना फ्रेंड तो नहीं मानता है, ठीक है, रिलेशंस मेंटेन्ड है, उसकी टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करता है, जो चाइना की नीड्स होती हैं उसको भी एक्सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी इंडिया चाइना के रिलेशंस इतने कॉर्डियल तो है नहीं. ये बात तो आपको भी पता है, किसी ना किसी टेरिटरी को लेकर चाइना हमसे लड़ता रहता है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर की बात हो, लद्दाख की बात हो, कश्मीर की बात हो, कौन सा आजकल क्या डिस्प्यूट में है, वो गैलवन वैली, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ही लेके लड़ता ही रहता है. मोएस्ट मूवमेंट इन नेपाल एटसेट्रा. मोएस्ट जो सपोर्ट नेपाल में फाइट करते थे ना, था तो वो हिंदू किंगडम, तो इंडिया को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि वो लोग नेपाल को एक्वायर करना चाहते हैं, एक्वायर इन द सेंस टेक ओवर करना चाहते हैं, वहाँ पे मेजोरिटी बनाना चाहते हैं, हैव डिस्टर्ब द रिलेशन. तो उनके बीच में एक रिलेशन थोड़ा डिस्टर्ब इन दो बातों से हुआ है, ठीक है? डिस्पाइट डिफरेंसेस ट्रेड और साइंटिफिक कोऑपरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर. इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो पर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, ट्रेड अच्छा है, साइंटिफिक रिलेशंस भी हैं इनके बीच में, साइंटिफिक रिलेशंस और क्या क्या है, कोऑपरेशन रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत अच्छा है, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स. इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स मतलब whoever needs the river water for any purpose, ये लोग एक दूसरे को help करने के लिए तैयार रहते हैं, तभी ये चीज़ें इन दोनों countries को जोड़ कर रखती हैं, ठीक है? India enjoys a very special relationship with Bhutan. पाकिस्तान की बात कर ली है हमने, बांग्लादेश की बात भी कर ली है हमने, ठीक है, नेपाल की बात भी कर ली है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, भूटान की. India enjoys a very special relationship with Bhutan too. And does not have any major conflict with Bhutanese government. कुछ ऐसा major conflict इनके बीच में है ही नहीं, ठीक है? चलो, जितना आपके NCERT में दिया है उतना ही बात करेंगे. अब उनके बीच में और क्या relations हैं और क्या disputes, अगर इंडिया का गंगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर कितना major, कितना portion वो रखता है, कितना portion वो रखता है, ऐसा question नहीं आएगा कि throw a light on द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आ सकता है, बट ये नहीं आएगा कि इंडिया की गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में क्या डिस्प्यूट है. ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं आएंगे आपको, ठीक है? ये देखो, साउथ एशिया इज रेफर टू एज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. ये हमें पता है कि नहीं पता है, मुझे येस या नो बता दो कमेंट सेक्शन में. पता है ऑफकोर्स, 7 कंट्रीज हैं. कौन कौन सी हम नहीं देखेंगे इसे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेवेंथ बताओ कौन सी है, श्रीलंका. 7 कंट्रीज, इन्हीं तो हम साउथ एशिया बोलते हैं. यहाँ देख लो कोई और लग रही है तुम्हें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, श्रीलंका लास्ट. डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड कॉन्स्टिट्यूट्स जियोपॉलिटिकल स्पेस. कहने का मतलब पता है क्या है, इतनी सारी कंट्रीज हैं, सबके अपने अपने रहने के लोग हैं, सबके अपने अपने डिस्प्यूट्स हैं, सबके अपने अपने रिलेशंस हैं, सब में डाइवर्सिटी है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, बट वो फिर भी एक जियोपॉलिटिकल मतलब एक ग्लोबल स्पेस की तरह रहते हैं, विच मीन्स उनमें एक यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज देयर. दे वर्क एज अ जियोपॉलिटिकल स्पेस, विच मीन्स दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर्स एंड एवरीथिंग, जो भी वहां होता है सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड
ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस. डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस का मिक्स रिकॉर्ड क्या हुआ, कभी डेमोक्रेसी है कभी नहीं है, कभी मिलिट्री रूल है कभी कुछ और है, मोनार्की है कभी डेमोक्रेसी है. दिस इज कॉल्ड मिक्स रिकॉर्ड. द पीपल इन दीज कंट्रीज शेयर एन एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी. क्या कहा था, डेमोक्रेसी के भूखे हैं साउथ एशिया वाले, हैं कि नहीं है, यही तो लिखा है. दे हैव एन अड्डा, यही तो यहां लिखा है. दे हैव एन एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एग्जाम्पल्स ऑफ बांग्लादेश. बांग्लादेश डेमोक्रेसी में कैसे कन्वर्ट हुआ, नेपाल मोनार्की था अब क्या है, डेमोक्रेटिक है. पाकिस्तान डेमोक्रेसी लाना चाहता है, लोग क्यों लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी चाहिए. श्रीलंका में देख लो, मालदीव्स में मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्या लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी ही लाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी वहाँ पे है. ठीक है, पाकिस्तान बिगैन पोस्ट कोल्ड वॉर, 1991 की बात हो रही है, 1991 पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. डेमोक्रेसी देखा जाए तो 1991 के बाद ही प्रॉपरली आई ना, बट सफर्ड अ मिलिट्री कूप इन 1999. पाकिस्तान बिगैन, पाकिस्तान डेमोक्रेसी के लिए काम तो करना चाहता था, कभी वहाँ पे मिलिट्री आर्मी आती थी कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी आती थी. 1991 के बाद डेमोक्रेसी आनी चाहिए वहाँ पे, बट फिर एक मिलिट्री ग्रुप, मिलिट्री कूप मतलब मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया था वहाँ की गवर्नमेंट 1991 में. इन नेपाल सक्सेसफुल अपराइजिंग लेड टू रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 2006. याद है, पाकिस्तान के बारे में सिर्फ इतना ही बताया है यहाँ पे. पाकिस्तान ने क्या किया था 1991 के बाद, डेमोक्रेसी की तरफ काम करना शुरू कर दिया था. 1999 में फिर मिलिट्री आ गई थी, वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं थी, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में. और वहाँ डेमोक्रेसी स्टेबल क्यों नहीं थी सब बता दिया मैंने, डिस्प्यूट्स वगैरह के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, सब बता चुकी हूँ, वो वीडियो जाके दोबारा देखो एक बार. नेपाल सक्सेसफुल इन अपराइजिंग लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी 2002 में. यहाँ देखो 2002 में पार्लियामेंट को घेर दिया था, 2006 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, बताया था पिछली वीडियो में कि नहीं बताया था, फिर रिस्टोर करी गई थी पार्लियामेंट. उसके बाद से नेपाल में डेमोक्रेसी है, ऑल राइट. एंड श्रीलंका हैज ऑल्सो ऑपरेटेड एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, शुरू से डेमोक्रेसी थी श्रीलंका में तो, डिस्पाइट मैनी लिमिटेशंस. कुछ लिमिटेशंस क्या थी, क्योंकि तमिल्स वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे अपना, सेनेलीज लोग अपनी वहाँ पे कल्चर इस्टेब्लिश करना चाहते थे, फिर भी वहाँ क्या रहा, डेमोक्रेसी रही. इवन मालदीव्स हैव स्ट्रेंथन्ड डेमोक्रेसी, वहाँ पे शुरू में ही तो डेमोक्रेसी थी और टाइम से टाइम स्ट्रेंथन होती गई. इन पाकिस्तान मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन. टू साइड्स ऑफ द कॉइन क्या, कॉइन को अगर फ्लिप करो तो कभी कोई साइड, तो यही तो हो रहा था पाकिस्तान में, बताया था ना. Because during implementation of first constitution, General Ayub Khan took the command by elections. ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे कौन था, अयूब खान से पहले यहिया खान था. ठीक है, फिर अयूब खान आया था, but thrown away by the dissatisfaction of his rule. अयूब खान के बाद यहिया खान आया, इन सबको हटाया जा रहा था, क्यों, क्योंकि लोग dissatisfied थे. After 1971 के बाद एक government आई थी under the leadership of जुल्फिकर अली भुट्टो. याद है, ये जनरल नहीं है, इसके आगे जनरल नहीं लिखा है, तो ये मिलिट्री नहीं है. जो पुरानी वीडियो में हम सब कुछ बोल चुके हैं ना, इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ रहे हैं. और ये भी डेप्थ क्या है, उस वीडियो में मैं ये सब कवर कर चुकी हूँ, एक सॉर्ट ऑफ रिविजन वीडियो ही तो है ये, क्योंकि हम ये इंडिया के साथ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. ठीक है, रिमूव बाय, फिर ये देखो डेमोक्रेसी आई, ये देख लो, लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो, रिमूव बाय जनरल फिर से आ गया, इसका मतलब आर्मी रूल आ गया, जिया उल हक इन 1971 के बाद ही पाकिस्तान में थोड़ी डेमोक्रेसी आई. 1999 में फिर मिलिट्री कूप आ गया था, अब वहाँ पे कौन है, इमरान खान है, जो प्रीवियसली एक क्रिकेटर था. ठीक है, ये बात याद रखना. या देखो, ये नाम तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, आई हैव रिपीटेड दीज नेम्स थाउजेंड टाइम्स अब तो. चलो ठीक है, थाउजेंड ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, इसका मतलब मैंने रिपीट तो किया है ना, तो आपको याद हो जाना चाहिए. अब डरो मत इस सबको देखे, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सिर्फ एनसीईआरटी लाइंस है, जिससे कि एक बार आपको समझ आ जाए कि आंसर फ्रेम कैसे करना है. ठीक है, अगेन इन 1982 बाय प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुआ था 1982 में, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाकर देखो. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988, एक गवर्नमेंट आई थी
1982 में प्रोटेस्ट चला, 1988 में गवर्नमेंट आई अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो. ठीक है, जनरल जनरल जो भुट्टो था वो तो आर्मी का था, बट ये क्या था, डेमोक्रेसी आई थी. एंड नवाज शरीफ, लेटर ऑन द हिस्ट्री रिपीटेड, एंड जनरल परवेज मुशर्रफ फिर आर्मी आ गई, टुक द कमांड इन 1999 में कूप आया था. बताया कि नहीं बताया, किसने लिया था ये, इसने लिया था परवेज मुशर्रफ, जनरल था ये, आर्मी का इंसान था. एंड गॉट इलेक्टेड इन 2005 टू बी कंटिन्यूड टिल डेट. अब तो चेंज हो चुका है, बट ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसका मतलब ये था कि इसने बहुत टाइम तक कंटिन्यू किया. ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने. बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड बाई माइग्रेंट्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, बता चुकी हूँ, वेस्ट पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स थे ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया था, बांग्लादेश बन गया था. एंड रिफ्यूज टू फॉर्म गवर्नमेंट बाई ईस्ट पाकिस्तान डिस्पाइट विनिंग ऑल द सीट्स. बांग्लादेश जो फॉर्म हुआ था, इट रिफ्यूज टू फॉर्म गवर्नमेंट, जो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उसने एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया था, डिस्पाइट विनिंग ऑल द सीट्स. सीट्स वो जीत गया था वहाँ का इंसान, तब भी इंडिया इंटरवीन, इंडिया ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था ना, एंड सपोर्टेड द डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. इंडिया ने सपोर्ट किया, तभी आज बांग्लादेश है फाइनेंशियली एंड मिलिट्रीली, ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में. कॉन्सिक्वेंटली इन दिसंबर 1971 पाकिस्तान सरेंडर्ड. ये वॉर कब की शुरू हुई थी, 1971 वॉर बोलते हैं ना इसको, 1965 में शुरू हुई थी ये, विद द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री. कौन सी बन गई थी, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री स्टैंड हो गई थी. थोड़ा सा आपको अगर समझना है ना, मैंने उस वीडियो में बताया है, ये मैं एक बार दोबारा से सारा समझा रही हूँ कि कैसे क्या हुआ था. सारे मैप्स वगैरह बना के मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है. बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पढ़ा था. डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, सब रिलीजन एक बराबर हैं, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, पीपल को फुल राइट्स हैं, एंड सोशलिज्म, सोसाइटी को फुल पास दिए जाएंगे. इन 1975 शेख मुजिब्बर रहमान, ठीक है ये याद है, फॉर्म प्रेसिडेंशियल सेटअप. ये इंसान ठीक नहीं था, इसने क्या किया, डेमोक्रेसी आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद डेमोक्रेसी आ गई, सोशलिज्म सेक्युलरिज्म सब फॉलो हो गया, इसने क्या कहा, नहीं ये सब हटाओ, यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी. बट वॉज असैसिनेटेड, असैसिनेटेड मतलब क्या होता है, मर्डर कर दिया, मार दिया. क्यों, क्योंकि लोग क्या चाहते थे, लोग चाहते थे डेमोक्रेसी. इन मिलिट्री अपराइजिंग, मिलिट्री अपराइजिंग मतलब मिलिट्री ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, रिवोल्ट, लड़ाई हो गई थी. द न्यू मिलिट्री रूलर, फिर भी मिलिट्री रूलर ही आया, जियाउर रहमान फॉर्म्ड हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी. बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई इसने, एंड ही वन इलेक्शन इन 1979. ये भाई 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 थे, भाई भाई मतलब ये दोनों एक टाइप के ही थे, जैसे ये रूल करता था ये भी ये रूल करता था, ये लोगों को पार नहीं देना चाहता था, इसको भी असैसिनेट, इसको भी मार दिया था. एंड अनदर मिलिट्री टुक अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जनरल एच एम अरशद आ गए थे, ये मैंने आपको बताया था. सिंस 1991 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये सब इम्प्रूव कब हुआ, 1991 में बांग्लादेश में कंडीशंस इम्प्रूव हुई, और आज के टाइम पे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. ठीक है, नेपाल क्या था, हिंदू किंगडम था, बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कहने को तो सिर्फ वहाँ पे डेमोक्रेसी है, बट किंग ही रूल कर रहा है वहाँ पे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है बट सारी पावर्स किसके हाथ में है, किंग के हाथ में है इन मॉडर्न पीरियड. द स्ट्रगल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बिगैन इन 1990 एंड 2000 व्हेन किंग रिस्टोर्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. 2002 में यहाँ देखो हटा दी थी, 2006 में फिर रिस्टोर कर दिया था ना पार्लियामेंट को, तो इसमें यही लिखा है. Even today, Nepal is demanding the formation of Constituent Assembly. अब वहाँ पर Constituent Assembly है, ठीक है, लोग वहाँ demand करते थे और अब है. यहाँ ये देखो, सेलिन किसको बोलते हैं, सेलिन पहले बोलते थे श्रीलंका को, presently known as Sri Lanka, experienced an ethnic conflict. Ethnic conflict क्या था उनके बीच में, मुझे बताओ. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ये था कि वहाँ पे सिंहलीज लोग भी थे, वहाँ पे तमिल के लोग भी थे. तमिल वहाँ पे चाहता था कि मैं अपने यहाँ पे ओन कंट्री बनाऊँ, बट ऐसा नहीं होने दे सकते क्योंकि इंडिया में अगर कुछ लोग आकर रहने लग जाए और वो कहे हमें अपनी यहाँ अपनी कंट्री बनानी है, तो क्या हम इंडियंस अलाउ करेंगे,
धक्के मार के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो ये भी यही हो रहा था, एथनिक कन्फ्लिक्ट था वहां पे, तमिल जाके रहने लग गए थे वो लोग, अपनी कंट्री डेरा जमाना चाहते थे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था बिटवीन सिन्हलीज तमिल्स फॉर पावर शेयरिंग। LTTE की फुल फॉर्म बता दो मुझे, लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल एलम्स। ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम्स डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर तमिल, यही मैंने बताया 1983 ऑनवर्ड्स विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन तमिल्स जो थे ना, वो तो यार तमिल तमिल भाई भाई हो गया ना, वो तो सपोर्ट करेंगे कि हाँ इनको अपना स्टेट दो, सिन्हलीज हट जाओ, बट ऐसा कैसे हो सकता था, वो तो उनकी नेटिव कंट्री तो सिन्हलीज की है। हु सेंड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज देयर विच वॉज नॉट लाइक बाय श्रीलंकन। श्रीलंका को लगता था जो इंडिया यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेज भेज रहा है ना, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए भेज रहा है, एंड बल्कि इंडिया तो एक पीस के लिए भेज रहा था कि वहाँ पे शांति रहे, बस श्रीलंकन्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, उनको लगता था ये इंटरफेयर कर रहा है। श्रीलंका हैज़ मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, शुरू से ही डेमोक्रेसी थी श्रीलंका में, विद अ कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हम पढ़ चुके हैं श्रीलंका में शुरू से ही बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। जितने पॉपुलेशन कंट्रोल्ड रहेगी, पॉपुलेशन अगर बूम हो सकती है ना, तो एक बेन भी हो सकती है, इट इज़ बोथ द बून एंड अ बेन, क्योंकि यार जितने बढ़ते लोग होंगे, पेड़ काट के रहेंगे वहाँ पे, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे, बहुत चीज़ें होती हैं यार। ठीक है, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी मतलब ओपन इकोनॉमी थी, कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हो सकते थे, एंड बेयर्स हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP किससे मेजर होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत हाई थी उस टाइम पे, और जो आगे कंज्यूमर्स ले रहे हैं तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, GDP बहुत अच्छी थी वहाँ पे, डिस्पाइट दी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इतनी लिमिटेशंस थी, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे वहाँ के, एथनिसिटीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इतने कॉन्फ्लिक्ट थे वहाँ पे, बट फिर भी आप देखो उसकी GDP ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी रही। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशियन रीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी सॉर्टेड आउट। इंडिया पाकिस्तान की हर छोटी बात पे लड़ाई है, इंडिया और पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यही लड़ते रहेंगे तो कुछ अच्छा कैसे होगा, साउथ एशिया एक स्ट्रॉन्ग इमर्ज कैसे हो के आएगा। ठीक है, द वॉर्स बिटवीन दीज कंट्रीज टुक प्लेस इन 1947-48 कश्मीर को लेके लड़ाई, 1961-65, 1971 कभी किसी ग्लेशियर को लेके लड़ने लग जाते हैं, कभी 1971 में बांग्लादेश वाली लड़ाई हो गई थी, कुछ ना कुछ लड़ाई इनकी रही ऑन द इशूज़ ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में ही, लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए ये लोग लड़ते थे, पाकिस्तान के लिए लड़ाई होती थी, एक्सेप्ट अदर इशूज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट आर कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, जो ग्लेशियर की बात करी थी मैं, सियाचिन ग्लेशियर की बात करी थी, एंड एक्विजिशन ऑफ आर्म्स कि ये हमारा होगा वेपन, ये हम अक्वायर करेंगे, ये एरिया हमारा है, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, इन दस वाटर ट्रीटी के बारे में ये लोग लड़ते रहते थे, इतना हम लोग का एक्विजिशन होगा वाटर का, इतनी रिवर हम एक्वायर करेंगे, यही लड़ाई रहती थी। बोथ द गवर्नमेंट्स आर सस्पिशियस डाउटफुल टू ईच अदर ऑन द ग्राउंड ऑफ पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी, बहुत इनके बीच में लड़ाई रहती है कि पाकिस्तान कुछ और चाहता है, हम कुछ और चाहते हैं, टू हेल्प कश्मीरी मिलिटेंट्स एंड ISI टू बी इन्वॉल्व इन एंटी इंडिया कैंपेन। इनको लगता है जो भी लड़ाई हो रही है, कोई भी सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, या फिर ये लोग पता है क्या सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं ना, अगर पाकिस्तान कश्मीर को एक्वायर कर लेगा, ये लोग इन्हें बंदूकें चलाना सिखा देंगे, इनको बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग दे देंगे, कोई नॉर्मल इंसान को भी ट्रेनिंग मिल जाएगी जो कि इंडिया के लिए नुकसान हो सकती है, एंटी इंडिया कैंपेन चल सकता है इसे। अगर कोई भी आर्म्स वेपन्स उनको नॉर्मल इंसान को दिए जाए तो वो किसी को भी हार्म प्रोवाइड कर सकता है, हार्म दे कर सकता है। ISI मिलिटेंट्स और इन सबको टू बी इन्वॉल्व इन एंटी इंडिया कैंपेन, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी, हमें इंडिया को लगता था ये, पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर मेकिंग ट्रबल इन सिंध एंड बलूचिस्तान। इनको लगता है जो हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं या सिंध या बलूचिस्तान में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, तो इनके बीच में ऑलवेज डिस्प्यूट रहा ही है। ठीक है, अब ये देखो, इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सपीरियंसेस डिफरेंसेस, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिए लड़ते थे ये लोग, बताया था इलीगल इमिग्रेशन, 80 लाख लोग आ गए थे, सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, इंडियंस नहीं चाहते थे कि वो लोग उर्दू फॉलो करें, उर्दू लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें। ठीक है, एंटी इस्लामिक रहा है,
रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स एंड नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया. अब इंडिया और म्यांमार के बीच में ना एक एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस चलता था, पर बीच में किसको क्रॉस करना पड़ता था, बीच में क्रॉस करना पड़ता था बांग्लादेश को. बांग्लादेश उसे ले जाना नहीं चाहता था, जाने नहीं देता था, बॉर्डर्स बंद कर देता था. तो इंडिया इस चीज़ पे बहुत डिस्प्यूट पे था, ठीक है. बट बेटर कैसे हुआ, इट इज़ द मेन लिंक ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी. लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई तो थिंग्स गॉट लिटिल बेटर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. अब वो जाने देता है, बट एट टाइम्स ये डिस्प्यूट रहा कि वो म्यांमार तक हम लोग पहुँच नहीं पाते थे, क्योंकि बीच में कौन सी कंट्री आती थी, बीच में आती थी बांग्लादेश. इंडिया एंड नेपाल ऑल्सो बेयर डिफरेंसेज ऑन द इशूज़ ऑफ नेपाल के रिलेशन विद चाइना. ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, नेपाल एंड चाइना आर फ्रेंड्स एंड इंडिया डज नॉट हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद चाइना. तो इंडिया नहीं पसंद करता नेपाल मेरा फ्रेंड है, वो चाइना को फेवर कर रहा है. एंड इन एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स सच एज मॉइस इंडियन को नहीं पसंद करते हैं, बट नेपाल उनको फिर भी सपोर्ट करता है. तो इंडिया को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. बट स्टिल बोथ द कंट्री साइन द ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन 2005, इंडिया और नेपाल ने, एंड फ्रेंडशिप इन 2006 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड टू अलाउ विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट. वो उसको पैसा भी देता था, मिलिट्री सपोर्ट भी करता था नेपाल को. वो कहता था कि लोग, हमारे लोग तुम्हारे कंट्री में जाएंगे विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट. ये क्यों हुआ, क्योंकि उनके रिलेशंस इंप्रूव हुए, ठीक है. इंडिया एंड भूटान डू नॉट शेयर एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई नहीं है इनके बीच में, बट अटैच्ड ऑन द इशूज टू नीड आउट द गरिल्लाज एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना बहुत सेंसिटिव पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, ठीक है. तो बात सारी क्या है, गुरिल्ला पता क्या होता है, जो छुप छुप के वार करते हैं, पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, माउंटेन्स के पीछे छुप के वार करते हैं, तो पता नहीं लगता ना कि गोली मारी तो मारी किसने, कहाँ से आई है ये. तो यही बात थी कि जो भी था, बट अटैच्ड ऑन इशूज, उसको क्या इशूज थे, जो मिलिटेंट्स, जो गुरिल्लाज और मिलिटेंट्स नॉर्थ ईस्ट से वॉर करते थे, वो चाहता था ये सब चीज़ें बंद हो जाए. एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड. इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है भूटान में उसके इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रो मतलब जो कि वाटर से चलते हैं प्रोजेक्ट्स इन भूटान इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट. काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है भूटान में इस वजह से. इंडिया इज़ सपोर्टिव टू मालदीव्स इन देयर इकॉनमी, उसको टूरिज्म फिशरीज़ में हेल्प करता है. किस में हेल्प करता है इंडिया मालदीव्स को, इकोनॉमी में, टूरिज्म में एंड फिशरीज़ में, ठीक है. इन नवंबर 1988 इंडिया रिएक्टेड क्विकली अगेंस्ट एन अटैक फ्रॉम तमिल मर्सनरीज ऑन मालदीव्स. मालदीव्स में एक बार ऐसा हुआ था, तमिल मर्सनरीज उनको वॉर करने गए थे, तो इंडिया ने मालदीव्स को सपोर्ट किया था. बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. बिफोर आई एंड दिस, एक ये बात पढ़ लो, सार्क. देखो ये सब जो हम कंट्रीज़ हैं ना, ये सार्क कंट्रीज़ हैं. अफ़गानिस्तान के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, बट क्या है, जो अफ़गानिस्तान डायरेक्ट वो नहीं है, डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करती है. अफ़गानिस्तान जो इंडिया का पार्ट शेयर करती है ना, दैट इज़ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो अफ़गानिस्तान इज़ नॉट अ डायरेक्ट नेबर ऑफ इंडिया, तो हम अफ़गानिस्तान के बारे में नहीं पढ़ा है हमने. बट अगर हम सार्क की बात करते हैं ना, तो सार्क के फाउंडिंग मेम्बर्स तो यही 7 है, बट अफ़गानिस्तान ज्वाइन इन द ईयर 2014, ठीक है. अब ये पढ़ लो बस, इन स्पाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड कन्फ्लिक्ट्स, जो भी हमने अभी पढ़ा, कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस, स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया रिकग्नाइज कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग देमसेल्व्स. रहते तो ये सब एकजुट ही है ना, ये तो मैंने आपको बताया, सब लोग साथ मिलके ही रहते हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन है, फ्रेंडली रिलेशंस है, कॉर्डियल रिलेशंस है इनके बीच में. हेंस अ मेजर इनिशिएटिव हैज बीन टेकन इन द फॉर्म ऑफ सार्क. ये छोटी सी लाइन लिखी है, सार्क के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर आप जाकर देखो तो, इस वाले चैप्टर के वीडियो में नहीं, चैप्टर जो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सार्क को. सार्क मेंबर्स साइन द साउथ एशियन FTA, इन्होंने साइन किया था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. मैं बताती हूँ क्या होता है, साफ्टा बोलते थे, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टू फॉर्म फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया. मतलब कोई इम्पोर्ट करे या कोई कंट्री एक्सपोर्ट करे किसी चीज़ को, तो उसको कस्टम ड्यूटी कितनी भी लगे, ज़ीरो, उसको पैसे ना देने पड़े. अगर ज़ीरो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी तो वो और ज़्यादा एंकरेज होगा, मोटिवेटेड रहेगा, हाँ मुझे ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं
तो मैं इस चीज़ को इम्पोर्ट कर सकता हूँ अपनी कंट्री में। अगर तुम्हारे रिलेशन सबके इतने अच्छे हैं तो ऑफकोर्स तुम पैसे थोड़ी चार्ज करोगे कि हाँ भाई, डिस्करेज थोड़ी करोगे, ऑफकोर्स इनकरेज करोगे। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यही था इन कंट्रीज़ के बीच में, सार्क कंट्रीज़ के बीच में, सार्क साउथ एशियन अग्रीमेंट ऑन रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आराम से ध्यान से एक बार पढ़ के, 1982 इसका ईयर है, ये बात याद रखना। अफगानिस्तान भी फॉर्मली एक मेंबर है साक का। ठीक है, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड, चैप्टर ही ख़त्म हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। ठीक है, और मैं जल्दी आऊँगी। मैंने आपको बताया है, आप ऐप डाउनलोड कर दो और अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ बता सकती हूँ, लीगल स्टडीज़ वगैरह ह्यूमैनिटीज़ पूरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आई होप यू आर ऑल लाइकिंग द वीडियो, आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल भी है वीडियो आपको। कोई सजेशन फीडबैक हो आप ज़रूर बताओ मुझे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक इट, एंड शेयर सपोर्ट अस ऑल्सो। Thank you for watching this video and don't forget to like, share, comment, subscribe, sab kar do yaar. Thank you so much for watching. I'll see you guys very, very soon. Bye bye.